सोनीपत के गन्नौर में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक का प्रचार जोरों पर है। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक ने गन्नौर के भांबर गांव में चुनाव प्रचार किया। मौके पर देवेंद्र कौशिक ने कहा कि इस गांव ने हमेशा उनका साथ दिया है। बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में काम किया उससे प्रदेश की जनता खुश है। देवेंद्र कौशिक ने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील भी कर रहे हैं। और अपने प्रचार प्रसार के दौरान देवेंद्र कौशिक गन्नौर के भांबर गांव पहुंचे। देवेंद्र कौशिक ने लोगों को लेकर कहा कि इस गांव ने हमेशा उनका साथ दिया है। और इस गांव से हमेशा हमें बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत मदद मिली है। छोटे हमारे गांव छोटे हैं, नया पास है, बांबर है, गामड़ा है, गांव छोटे पर काम बहुत मजबूत करते हैं, मुझे इस बात का पता है। आप बहुत मजबूती से इस गांव में रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी सरकार वादे करती है वो सारे वादे पूरे करती है। पहले बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये मिला करती, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, तो इस सरकार ने उसको 3000 तक कर दिया, 3000 रुपये आज उसके दिन मिल रही है। और उसको बढ़ा के अगले 5 साल में और उसको बढ़ाएंगे, तो घोषणा पत्र में मुझे ध्यान नहीं कितनी करेंगे। नौकरियों की जहाँ तक बात है, पिछले 10 साल में 1,60,000 के करीब नौकरियाँ, पक्की नौकरियाँ हरियाणा सरकार में दी और बिना फर्जी और बिना खर्च के थी, किसी के 100 करोड़ खर्च नहीं हुआ। हम भी पहले भी सरकार में रहे, आपने देखा होगा जब कांग्रेस का राज था, या तो आपकी जान पहचान ठीक होनी चाहिए या फिर इस तरह का काम होता है।